मधुबनी जिले के जयनगर में हुए व्यवसायी श्रवण कापड़ी के हत्या मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग की वजह से श्रवण कापड़ी की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के अनुसार पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी युवक जयनगर के ही राखी नाम की लड़की से प्रेम करता था, जिससे वह शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिजनों ने राखी की शादी श्रवण कापड़ी की मदद से कहीं और करवा दी। इस शादी में श्रवण कापड़ी की भूमिका थी, जिसको लेकर युवक बदला लेने के फिराक में था। इतना तक कि युवक ने श्रवण कापड़ी को अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। आगे पुलिस ने बताया कि व्यवसायी श्रवण कापड़ी की हत्या करने के बाद युवक बिना टिकट के मुंबई चला गया था। वहां से वह नेपाल के रास्ते अपने प्रेमिका से मिलने जयनगर पहुंचा, जहां मौके की ताक में बैठी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक के फेसबुक प्रोफाइल से भी कई तरह की आपत्तिजनक हथियारों के तस्वीरों की पोस्ट इत्यादि सामने आई है। मामला ये है कि प्रेम प्रसंग में ये जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, हत्याकांड का आरोपी, वो राखी नामक लड़की से प्रेम करता था, जो कि यहीं जयनगर की रहने वाली है। और इस प्रेम प्रसंग में जो है एक संज्ञान में ये था कि इनकी शादी जो है इस लड़की की श्रवण कापड़ी द्वारा करा दी गई थी, एक लड़के से यहीं के बसंत शाह हैं उनके पुत्र द्वारा। तो इस मामले में जो है गुस्सा क्रोधित होकर ये धमकी भी दिया था उसको पूर्व में श्रवण कापड़ी को कि अगर लड़की की शादी होती तो इसका अंजाम आप समझिएगा। उसके बाद जो है उसी शादी के इसमें खुन्नस में इसने जो है उसका हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद 4 तारीख के बाद ये जो है बिना टिकट आपको मुंबई चला जाता है। मुंबई के बाद जो है फिर जो है ये नेपाल के रास्ते फिर जो है लड़की से मिलने के लिए आता है, और जयनगर में इसको जो है लड़की से मिलने के क्रम में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया, और इसमें जो है तकनीकी अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए थे, और हम लोगों ने सब तारतम्यता मिलाकर इसकी संलिप्तता को इसमें पकड़े हैं, और उसके बाद जो इस घटनाकांड की इसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ इसने बताया कि घटना करने के बाद जो हथियार है उसको वहीं पर घटनास्थल में बगल में पोखर है उसी में हम लोग इसको फेंक दिए। और भी कोई इसमें नहीं, यही मुख्य आरोपी है, ये प्रेम में धोखा। और एक आपत्तिजनक ये भी आया है कि इसके फेसबुक प्रोफाइल से भी कई तरह के आपत्तिजनक हथियार वगैरह और बातें जो है आई हैं, जिससे कि और भी बात पुष्ट हो गई। सर आरोपी कहाँ था? आरोपी का नाम है आपको आरोपी का नाम है मोहम्मद शहजाद, पिता इलियास, उशाही का रहने वाला। तो गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये गिरफ्तारी जो हुई है जयनगर से हुई है, लड़की से मिलने के लिए आया हुआ था शादी के बाद। उसी क्रम में हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि ये लड़का जो है आया हुआ है, और फिर हम लोगों ने टीम तैयार करके इसको गिरफ्तार किया। Introducing the all-new Splendor Plus X-Tech.